अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आपको एक और अमेजिंग वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि विंडोज़ 8.1 के प्रो वर्जन को विदाउट एनी एक्टिवेशनल की के कैसे एक्टिवेट किया जाए। राइट नाउ, जैसा कि आप मेरे यहाँ पर राइट कॉर्नर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन है विंडोज़ 8.1 प्रो बिल्ड 9600। इट्स मीन्स कि मेरी विंडोज़ एक्टिवेट नहीं है। फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ प्रॉपर्टीज़ में जाके अपने पीसी की के यहाँ पर विंडोज़ इज़ नॉट एक्टिवेटेड साफ क्लियरली मेंशन है। सो मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं सिर्फ विदाउट एनी टूल सॉफ्टवेयर या किसी क्रैक जो कि आपके लैपटॉप को पीसी को डैमेज कर सके उन्हों के बिना। सो द वीडियो सिर्फ 3 मिनट की होगी, उससे ज़्यादा की नहीं। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर आएंगे। जैसे ही आप उसके ऊपर आओगे सो यहाँ पर आपको कुछ HTMLs मिलेंगे। राइट नाउ, जैसे कि ये इन सब को आपने स्टार्ट से लेकर लास्ट तक कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप इसको कॉपी करोगे कंट्रोल प्लस सी दबा के या फिर यहाँ से कॉपी कर लेना है इसको। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद न्यू के ऑप्शन पे आना है। न्यू के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे सिंपली अपना ये सारा कुछ यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पे आना है, सेव एज के ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ से डेस्क पोर्ट सेलेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद आपने सबसे अहम स्टेप, ये स्टेप हरगिज मिस ना हो, वो ये कि इसका नेम है जो वो आपने ये रखना है ICLI, सॉरी ये कैप्स लॉक आपने ऑफ करके ICLICK आई क्लिक .CMD। राइट, मैं अगेन कह रहा हूँ आपने नाम आई क्लिक .CMD ही रखना है, तभी जाकर ये मेथड वर्क करेगा, नहीं तो ये हरगिज वर्क नहीं करेगा। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ। उसके बाद आपने सिंपल इसको सेव करना है एंड सेव करने के बाद इसको ऑफ कर देना है। कॉमनली जब आप यूजली आप यूज करते हो टेक्स्ट वगैरह सो वो इस तरह की शेप में आता, बट ये वाला जो टेक्स्ट है वो इस तरह की, या तो इसको राइट क्लिक करके आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, डबल क्लिक कर लेना है। सो यहाँ से हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। ये देख लें, ये ऑफिशियल वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। सो यहाँ से क्लिक ऑन यस। जैसे ही आप क्लिक ऑन यस करोगे सो ये कोई एक्टिवेटिंग योर विंडोज़, लगभग कोई 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट कह रहा, 10 सेकेंड 20 सेकेंड का प्रोसेस है। उसके बाद विंडोज़ आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। सो ये देख लें, बस आई थिंक प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुके हैं। आपने कुछ नहीं करना, विंडोज़ को ऑफ भी नहीं करना एंड मेक श्योर, मैं अगेन कह रहा हूँ कि ना आपने हरगिज हरगिज भी ना विंडो का गलत नाम, सॉरी फाइल का गलत नाम या एक्स वाई कुछ भी नाम नहीं रखना। आपने यहाँ पर आई क्लिक .CMD, मेक श्योर आई क्लिक .CMD नाम रखना है एंड यहाँ पर आई थिंक हमारी हो भी चुकी है कंप्लीट। सो लगभग अभी हो जाएगी ये कंप्लीट। सो हो चुकी है, अब ये कह रहे हैं कि सॉरी योर वर्जन इज नॉट सपोर्टेड, डोंट वरी, परेशानी कोई बात नहीं। यहाँ पर प्रेस एनी की एंड कंटिन्यू, जैसे ही आप कोई भी की प्रेस करोगे सो ये टर्मिनल ऑफ हो जाएगा एंड नाउ लेट मी रिफ्रेश इट। ओके, सो आपने अब हमने रिफ्रेश कर लिया, अब आप देख सकते हो यहाँ से साइड पे से एरर भी खत्म हो गया, विंडोज 8.1.9666 XY जो भी था। एंड मैं फॉर योर कन्फर्मेशन मैं यहाँ पर आपको दिखा भी दूँ प्रॉपर्टीज में जाकर अपने लैपटॉप की। सो विंडो इज एक्टिवेटेड। सो एक ये छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको लाइव विंडोज 8.1 विदाउट एनी सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करके दिखाई। बट मैं लास्ट टाइम दोबारा कह रहा हूँ, मेक श्योर आपने नाम
आई क्लिक डॉट सी एम डी ही रखना है। अगर उसके अलावा और कोई नाम रखा तो ये वर्ब का ये हरगिज वर्किंग नहीं करेगा मेथड ये। एंड इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ओके, होप यू विल रियली एंजॉय दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।